नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1,00,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। 65,00,000 की लूट में वांछित था इनामी बदमाश। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का जू सेक्टर उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जिस समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 1,00,000 के इनामी बदमाश मनान उर्फ राशिद उर्फ मोनू उर्फ राहुल को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल का इलाज किया जा रहा है। मुठभेड़ में बदमाश को 2 गोली लगी बताई जा रहा है। यह बदमाश बीते 27 मई को थाना जारचा क्षेत्र में हुई 65,00,000 की लूट में वांछित चल रहा था एवं इस पर करीब 14 मुकदमे हत्या लूट डकैती अपहरण एवं गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बदमाश के कब्जे से एक 32 बोर की पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस एवं 4 खाली खोखा तथा 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना दादरी क्षेत्र में सेक्टर 2 में ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी और शॉर्ट टीम को मिली थी कि कुछ अपराधी यहां पर बैठ कर प्लानिंग कर रहे हैं कि घटना पर। इस जानकारी पर जब शॉर्ट टीम प्रभारी शावेज खान अपनी टीम को लेकर तथा थाना दादरी पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां पर 3 अभियुक्त एक तो मोटरसाइकिल पर तथा एक बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट गाड़ी में बैठे हुए। पुलिस को आता देख और अपने आप को घिरता हुआ देख उन्होंने पुलिस को तत्काल फायरिंग खोल दी। फायरिंग का जवाब देते हुए जब पुलिस की ओर से फायरिंग हुई तो एक बदमाश के पैर में 2 गोलियां लगी, बाकी दोनों बदमाश जो है सिर्फ गाड़ी में बैठ गए भागने में सफल रहे। जब घायल बदमाश से पूछताछ की गई तो जो बेसिक पूछताछ में बात सामने आई उसने अपना नाम मन्नान उर्फ राशिद बताया, जो कि जनपद बरेली का रहने वाला है। अभी बीते कुछ दिनों पहले थाना जारचा में 65,00,000 की लूट हुई थी जिसमें भी वो वांछित था। उसके ऊपर 1,00,000 का इनाम भी रखा गया था। उसके ऊपर अच्छा खासा उसका आपराधिक इतिहास है। हत्या डकैती लूट अपहरण जैसे संगीन वारदातें उसने पहले भी अंजाम दी हैं, जिस संबंध में 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में उसके ऊपर दर्ज हैं। बाकी उसको उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके से ही अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, बुलेट गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की है और संदिग्ध है, तथा एक 32 बोर का पिस्टल, कुछ जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं। इसी मुठभेड़ में जो हमारे स्वाट टीम के प्रभारी हैं शावेज, उनके जो है बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है। बाकी फोर्स मौके पर मौजूद है, इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। मेरे को लाया गया है, कहाँ से ले गया है, कौन ले के आया, किस दादरी थाना क्षेत्र की पुलिस के द्वारा लाया गया एक मामला, जिसमें कि कोई जू 3rd सेक्टर है वहाँ पे, जहाँ पर ये पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। मुन्ना नाम का आदमी है और इज्जत नगर बरेली का रहने वाला है, जिसके पैर में गोली लगी है। गोली आर पार है और स्थिति नियंत्रण में फिलहाल, तो भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। सर कितनी गोली लगी है? 2 गोलियाँ। तो स्थिति इसमें स्थिति कैसी सर? स्थिति नियंत्रण में। नोएडा से धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध।